हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ। ये जानकारी हो सके तो शायद आप लोगों को पता हो या ना भी हो। तो एक्चुअली बात ये है कि इंडियन रेलवे का सर्वर में प्रॉब्लम है ना, IRCTC का सिस्टम में प्रॉब्लम है, मेरे को तो ये पता नहीं। एक्चुअली मैं तत्काल टिकट बुकिंग एनी टाइम करता हूँ, उसका मैं वीडियो भी अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, आप सभी को पता होगा। एक बार आप जाके देख भी सकते हैं कि मैं तत्काल टिकट बुकिंग कुछ ज़्यादा ही करता हूँ। तो आज मेरे साथ ऐसा हो गया जो कि मतलब मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, तत्काल बुकिंग में 3 लोगों का टिकट बुक करा था मैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन ID, स्टेटस, डेट, फ्रॉम, टू, क्लास शो हो रहा है। ठीक है, और अपना टिकट भी बुक हो चुका है। ठीक है, अब टिकट बुक भी हुआ है तो वो कन्फर्म टिकट बुक हुआ है। ठीक है, लेकिन बात ये है कि हम 3 लोगों का 3 पैसेंजर्स का टिकट बुक कर रहे थे, जिसमें मेरा 1 टिकट कन्फर्म हुआ और 2 वेटिंग लिस्ट चला गया। तो सिंपल सा बात है, अगर आप लोग भी सोचेंगे कि हाँ हो सकता है ऐसा कि 1 कन्फर्म होता है तो दो तीन और पैसेंजर्स हैं उन लोगों का वेटिंग होगा। ठीक, मैं मानता हूँ। ठीक है, लेकिन ये इस टाइप का वेटिंग हुआ है ना जो आप बिलीव नहीं कर पाइएगा। मैं खुद बिलीव नहीं कर पाया कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, किसका सिस्टम में प्रॉब्लम है, मेरे में प्रॉब्लम है ना, IRCTC में प्रॉब्लम है, रेलवे में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है तो है किस में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं हावड़ा अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस में टिकट बुक किया हूँ, जिसका ट्रेन नंबर है 12834। ठीक है, जो कि मैं हावड़ा से चंपा जंक्शन तक टिकट बुक किया हूँ। ठीक है, 15 जून को। तो मैं इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 3 पैसेंजर, जिसमें मेरे देखिए 1 सीट कन्फर्म है S2 में, 20 नंबर लोअर बर्थ। अब आप खुद बताइए कि अगर कोई टिकट बुकिंग करता है तो अगर 1 टिकट कन्फर्म मिल गया तो दूसरा 1 और 2 वेटिंग लिस्ट मिलना चाहिए। मेरे को 31-32 कैसे मिला, हम ये सोच के हैरान है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए, यहाँ तक कि मैं रेलवे से कॉन्टेक्ट भी किया, लेकिन रेलवे वाले भी कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे। बोलते हैं कि ये सर पता नहीं, सर कैसे क्या हुआ, मेरे कुछ पता नहीं, कोई मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ही वो लोग नहीं दे रहे हैं। तो आप खुद बताइए कि हमारा 1 सीट तो बेकार चला गया। अब इसको मैं कैंसिल भी करूँगा तो मेरे को 1 रुपया रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा कन्फर्म हो चुका है। और 31-32 कभी ज़िंदगी में तत्काल वेटिंग लिस्ट कभी कन्फर्म नहीं होगा, कभी नहीं कन्फर्म होगा, 100% कन्फर्म नहीं होगा। ये मेरे को वेटिंग लिस्ट 1 और 2 मिलना चाहिए, तो मेरे को यहाँ मिला है 31 और 32। ये 31-32 मेरा तो कन्फर्म होगा नहीं, और मेरा एक जो बर्थ है जो कि S2 में मिला है उसमें कौन जाएगा। ये टोटल फैमिली मेंबर्स है, एक फैमिली मेंबर जाने से तो होगा नहीं। अब इस टिकट को क्या मेरे को कैंसिल करना पड़ेगा। तो रेलवे चारों तरफ से देखा जाए घुमा फिरा के तो वो उसका इनकम ही इनकम है, रेलवे का कहीं से लॉस नहीं है। ठीक है, रेलवे मेरा वेटिंग टिकट से भी जो उसको कमाना होगा कमा लेगा, प्लस ये जो कन्फर्म हो गया ये तो मेरा पूरा लॉस हो गया, पूरा टिकट का जितना भी फेयर है मेरे को तो रिफंड मिलेगा नहीं। तो रेलवे का ये गड़बड़ी, रेलवे कभी इस सब पे ध्यान देता भी है कि नहीं भगवान जाने, लेकिन ये सब पे ध्यान देना चाहिए। और ये फिलहाल ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे ही साथ हुआ होगा, ये अधिक लोगों के साथ हुआ होगा, हम तो श्योर हैं। मेरे साथ ही नहीं, ये बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा। जो नॉर्मली लोग होते हैं तो कंप्लेंट कर नहीं पाते हैं, वो बस ऐसे ही देख इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मेरे को ये बहुत बुरा लगा। अगर मेरे को वेटिंग ही देना था तो सभी वेटिंग दे देना चाहिए था, कन्फर्म नहीं देना चाहिए था। अगर कन्फर्म मिला भी तो मेरे को 1-2 वेटिंग लिस्ट मिलना चाहिए था। 1-2 अगर वेटिंग लिस्ट मिलता तो जो पक्का है कि कन्फर्म हो जाता, नहीं भी होता तो मैं मतलब ये सबर कर लेता कि चलो जाने दो, वेटिंग कन्फर्म नहीं हुआ, 1-2 वेटिंग कन्फर्म नहीं हुआ। लेकिन ये जो हुआ ये सही नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारे साथ ऐसा हुआ, अगर आप लोगों से अगर ऐसा हुआ होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम भी समझ सकें। सो आई होप कि हमारा जानकारी आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा